ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खैरिया के प्रधानाचार्य द्वारा 12वीं कक्षा के छात्रों के अभिभावकों ने बच्चों की पिटाई करने व बच्चों को जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल के प्रधानाचार्य ने उनके बच्चों की पिटाई की है और जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए हैं। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खैरिया के प्रधानाचार्य द्वारा 12वीं कक्षा के छात्रों के अभिभावकों ने बच्चों की पिटाई करने व बच्चों को जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल के प्रधानाचार्य ने उनके बच्चों की पिटाई की और जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए। अमित कौशल, अमन गोरा, विशाल कुमार व अमित कुमार ने बताया कि हम स्कूल में सुबह आने के लिए लेट हो गए थे। हम 6 छात्र थे जो कि सुबह स्कूल में लेट पहुंचे थे, परंतु स्कूल के प्रधानाचार्य ने सिर्फ 4 बच्चों को उठाकर उनकी पिटाई की और जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए। बच्चों ने बताया कि प्रधानाचार्य हमेशा बच्चों के साथ स्कूल में भेदभाव करते हैं। मैं राम बोरा, मैं स्कूल से लेट हो गया था, घर से लेट हो गया, स्कूल आने के लिए, और प्रिंसिपल सर ने अंदर से बुलाया और 6 लड़के लेट हो गए थे और 4 को उठाया, बाहर लेके आए और 4 को मारा और 2 को बिठा दिया अंदर और हमें धक्के मार के स्कूल से बाहर निकाल दिया। अक्षय व रोहित ने बताया कि वे इन लड़कों के साथ स्कूल में लेट पहुंचे थे, परंतु प्रधानाचार्य ने सिर्फ 4 लड़कों को उठाया और उनकी पिटाई की। हम दोनों को कुछ नहीं बोला, हमसे जबरदस्ती माफीनामा लिखवाया गया। मैं भी इनके साथ था, सर ने मेरे को भी खड़ा किया मगर मेरे को बोले बैठ जाओ और इनको ले गए बाहर। बच्चों ने प्रधानाचार्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे बच्चों से जबरदस्ती बाथरूम साफ करवाते हैं। प्रधानाचार्य स्कूल के अध्यापकों को गालियां भी निकाल रहे थे और डंडा लेकर मारने भी लग पड़े थे। और प्रिंसिपल सर जी हमारे पर बहुत अत्याचार करते हैं, हमसे हर बार लैट्रिन बाथरूम साफ करवाते हैं और कहते हैं कि जब हम आपको मारेंगे तो कैमरे बंद कर देंगे। और प्रिंसिपल सर जसवीर सर को गालियां भी निकाली और उन्हें डंडा लेकर मारने भी लगे थे। और हमारी क्लास में ऐसे टाइम वेस्ट करने के लिए आ जाते हैं, रोज की बात है ये। और हमारी प्रेयर होती है वहाँ पर भी हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। हमारी एक दिन तो 10:09 तक प्रेयर हुई थी और तब हमारी एग्जाम भी आने वाले थे पास में। स्कूल के अध्यापक जसवीर ने बताया कि स्कूल के प्रधानाचार्य ने कुछ बच्चों की पिटाई की और कहा कि अपने माता पिता को लेकर आओ। जब माता पिता स्कूल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जाओ स्कूल में शिकायत करो। उसके बाद प्रधानाचार्य ने मुझे भी डंडे से डराया धमकाया और गलत शब्द इस्तेमाल किए, जिसके लिए मैंने उच्च अधिकारी को शिकायत दे दी है। स्कूल के अध्यापकों ने बताया कि हर रोज प्रधानाचार्य हमें किसी न किसी बात के लिए तंग करते ही रहते हैं और बार बार यही कहते हैं कि आपकी नौकरी टांके की नौकरी है। उनके साथ जो भी मन आता है बोल देते हैं। जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो क्लास में आ जाते हैं और बच्चों को तंग करते हैं, बच्चों को बिल्कुल भी पढ़ाने नहीं देते। इसी स्कूल में प्रधानाचार्य पहले भी एक अध्यापक को मारने लगे थे। प्रधानाचार्य स्कूल के बच्चों के साथ हमेशा भेदभाव करते हैं। प्रिंसिपल सर साहब बहुत अत्याचार करते हैं बच्चों पे भी, अध्यापकों पे भी, और खासकर हमारे पे जो एसएमसी बेसिस पे अध्यापक लगे हैं। मेरे साथ भी उन्होंने एक बार मार पिटाई करने की कोशिश की और गंदी गंदी भाषा का प्रयोग किया। घर वालों के बाद तक पहुँच गए वो, मेरे घर वालों के बारे में भी उन्होंने काफ़ी बातें कही और वो काफ़ी हमारे को टॉर्चर करते हैं। बोलते हैं आपने एक नियमित अध्यापक की पोस्ट रोक रखी है, आप टंके की नौकरी लगी आपकी, आपने सिफारिश के चलते नौकरियाँ ली हैं और मैं आपको निकाल दूंगा, मैं चाहूँ तो जब मुझे निकाल सकता हूँ। उन्होंने कई बार हमारे अटेंडेंस रजिस्टर भी छुपा दिया, हमें हाजिरी नहीं लगाने दी और इस बारे में हमने डिप्टी डायरेक्टर कांगड़ा के साथ भी शिकायत की थी, वहाँ पर हमने लेटर भेजा था। स्कूल के प्रधानाचार्य मुल्तान सिंह से जब इस मामले के बारे में बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने किसी भी बच्चे की पिटाई नहीं की है। बच्चों के घर वालों को बुलाने को कहा ताकि मालूम हो कि बच्चे लेट क्यों हुए हैं। मुल्तान सिंह ने कहा कि उन्होंने किसी भी बच्चे को जाति सूचक शब्द नहीं कहे, आज तक किसी भी अध्यापक को गालियां नहीं निकाली। उन्होंने कहा कि मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर निराधार हैं। तक मैंने कोई भी किसी को गालियां नहीं निकाली गई हैं मेरे गेस्ट जो आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि ये जो अध्यापक हैं ये हैं पीरियड बेसिस पर, पीरियड बेसिस के आधार पर 281 रुपये के हिसाब से इनकी पिछली तनख्वाह निकलती है और अप्रैल के बाद जो है इनकी बढ़ी हुई सैलरी के हिसाब से इनको तनख्वाह दे दी जाएगी। जितना ये काम करते हैं उतना ही इनको तनख्वाह दे दी जाती है, पर ये जिद ये करते हैं कि हमें
पूरी की पूरी तनख्वाह दे दी जाए, चाहे हमारे पीरियड कम ही क्यों ना हो। संबंध में मेरा एक ही बयान है कि एक लेडी हमने रखी हुई है जिसे पहले 700 रुपया देते थे, आते उसने मेरे साथ कंप्लेंट की कि मेरे को क्या बोलते 700 रुपया दिया जा रहा है, फिर 300 रुपया मैं पहले अपनी जेब से दे देता हूँ, फिर बाद में SMC PTA फंड में से 300 रुपया निकाल के 1000 रुपया उसको दे देते हैं। इसके बारे में सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए मैं क्लास के अंदर गया और जो बच्चे क्लास लेट आए थे, प्रेयर जिन्होंने मिस की थी, उनको मैंने उठाया और उसमें से 4 बच्चे जो हैं वो उठे, 4 बच्चे बाहर आ गए। उनको मैंने बोला बिठाने के लिए, मैंने उनको बोला बच्चा बैठ जाओ, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, और वो मेरा कहना नहीं मानते हुए जो मैंने उनको बोला आप क्यों लेट हो गए हो, आप अपने घर वालों को बुलाओ, क्या आप लोग क्लास में थे या रास्ते में छुपे थे या आप घर से लेट हो गए हो। घर से जो है वो बच्चे अपने अपने माँ बाप को लेके आए और आते ही ये आपके ब्रदर का नाम नहीं मैं जानता हूँ, उन्होंने आते एक ही शब्द बोला कि जी कैमरे बंद कर दो, तो कुछ एक बातें हमने करनी है। उस टाइम मैं इलेक्शन की चिट्ठी बना रहा था, क्योंकि ये इलेक्शन की चिट्ठी हर आदमी जानता है कि इलेक्शन का काम सबसे पहले होता है, इनको बड़ा इज्जत मान से बिठाया गया और उसके बाद जो है वो इन्होंने ऐसे ऐसे शब्द मुझे बोले हैं। मुझे ये भी कहा गया है कि आप लोग प्रिंसिपल बनने के काबिल नहीं हो, आपको प्रिंसिपल किसने बनाया, फिर बाकी के सारे अध्यापक भी मौजूद थे और उनकी सारी मौजूदगी में जो है वो मेरे पर झूठा आरोप ये लगाया गया कि आपने जाति सूचक शब्द कहा।